नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। सुबह के 10 बज रहे हैं, बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा आज है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको रवाना करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज बड़ी जनसभा का भी कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरी झंडी दिखाकर इस रथ यात्रा को रवाना किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें, चूंकि चुनाव नजदीक है, अगले साल चुनाव होने हैं, चुनावी प्रचार का एक से बिगुल फूकने के तौर पर भी देखा जा सकता है। जेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय से जयपुर एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 51 जन आक्रोश रथों को बीजेपी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। इधर प्रदेश की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेंगे। खास बात तो यह कि नड्डा जिन रथों को राजस्थान से जन आक्रोश के लिए झंडी दिखाएंगे, तमाम जो रथ हैं वो योगीराज से राजस्थान पहुंचे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से तमाम रथ राजस्थान पहुंचाए गए हैं, राजस्थान लाए गए हैं। तो अगले साल के लिए बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में अब नजर आ रही है। हर स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का लक्ष्य होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज बड़ी बैठक बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज जन आक्रोश रैली की शुरुआत, विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, जरा इस पूरी रथ यात्रा के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरीके से बीजेपी आगाज कर रही है, और यूं कहें कि जन आक्रोश रैली के जरिए कहीं ना कहीं ये शंखनाद है, विधानसभा चुनाव चूंकि आगे नजदीक है। देखिए, विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए बीजेपी ने आज शंखनाद कर दिया है। जेपी नड्डा करीब 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद दशहरा मैदान पहुंचेंगे। मैं तस्वीरें आपको दशहरा मैदान की दिखा रहा हूं कि यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से जो जेपी नड्डा है, जो यात्रा निकाली जाएगी, जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, करीब 51 रथों को हरी झंडी जेपी नड्डा यहाँ पर दिखाएंगे। रथ जो है वो तैयार यहाँ पर किए गए, 51 रथों को जेपी नड्डा यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, जेपी नड्डा आ रहे हैं, कितना जोश है, जुनून है कार्यकर्ता? ऐसा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, राजस्थान के जो नागरिक हैं उनमें भी भारी जो इस सरकार के प्रति आक्रोश है उसको व्यक्त करने का आज जो ये मंच मिला है, इसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे ज्यादा से ज्यादा। और जिस तरह से राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और जो ये जंगल राज स्थापित किया है, इसके लिए अब की बार पूरे 200 विधानसभाओं में ये जो रथ है हमारा जाएगा, और हम 100% पूरे राजस्थान को भगवामय कर देंगे, और राजस्थान की 200 की 200 सीटें बीजेपी जीतेगी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपदस्थ करने का काम किया है, तो राजस्थान की जनता ने जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं, कितना कार्यकर्ताओं में जोश है, लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? खूब जोश है, पूरे प्रदेश भर से लोग अपने अपने रथों को लेने के लिए, रथ टोलियां जो बनाई गई वो रथ लेने के लिए यहाँ पहुंची हैं, और जेपी नड्डा जी हरी झंडी दिखाकर सभी रथ प्रमुखों को अपने अपने जिलों को विधानसभा वार रथों को रवाना करेंगे। देखिए, रथों की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। रथ पे तमाम रथ जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं, करीब 51 रथों को हरी झंडी जेपी नड्डा दिखाएंगे। रथों पे जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, प्रधानमंत्री क्योंकि ये 51 रथ जो है कहा जा रहा है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं, तो ये रथ इसलिए भी बहुत खास हो जाते हैं। विष्णु जी, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ये रथ मंगाए हुए हैं, क्योंकि जो नंबर प्लेट सभी की है वो यूपी की है। आप जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे हो, यूपी की नंबर प्लेट है। अब ये तमाम जो रथ हैं वो निकलेंगे राजस्थान के 200 विधानसभाओं में, ये रथ पहुंचेंगे। तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, जहां बीजेपी के विधायक हैं, वो इन रथों के साथ गाँवों में चौपाल करेंगे, सांसद शामिल होंगे, गाँवों में चौपालें की जाएंगी। देखिए, रथ को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो
रथों में यहाँ पर रखी गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद करीब 11:30-12 बजे जो जेपी नड्डा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। रथ पर बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, पूरी तरह से तस्वीरें नरेंद्र मोदी की लगाई गई है, जेपी नड्डा की लगाई गई है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की लगाई गई है, पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं उनकी तस्वीर भी रथ पर लगाई गई है। साथ ही जो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी, सतीश पूनिया, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर रथों पर लगाई गई है। अब ये तमाम जो रथ हैं ये 200 बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी हम बता दें जरा कि देखिए विष्णु हमारे संवाददाता इन रथों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो जन आक्रोश यात्रा में अब शामिल हो जाएंगे। 51 ये रथ हैं, तमाम दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। अंदर से जरा अंदर से और भी दिखाने की कोशिश जरा करिए, क्या क्या सुविधाएं हो पाएंगी इस रथ में, कैसे, चूंकि इनको 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक लगभग 75,000 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा को तय करना है, तो क्या सुविधाएं रहेंगी इस बारे में भी इस रथ में कुछ आप बता पाएंगे जरा विष्णु? देखिए रथों में सुविधाएं नहीं होंगी, रथ ये पहुंचेंगे विधानसभाओं में, वहां पर गांवों में चौपाल बीजेपी के नेता करेंगे, इन रथों में माइक लगाए जाएंगे, सभाओं को संबोधित किया जाएगा, तमाम जो बीजेपी की जो चुनाव प्रचार की सामग्रियां हैं वो इन रथों में रखी जाएंगी। नेता हैं जो विधानसभाओं में, जो अलग अलग विधानसभाओं में जहाँ बीजेपी के विधायक हैं जीते हुए वो शामिल होंगे, अगर जहाँ से बीजेपी के पास जहाँ विधायक नहीं है तो वहाँ पर जो बीजेपी की ओर से जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो नेता शामिल होंगे, साथ ही सांसद शामिल होंगे। गांवों में चौपाल की जाएगी, 200 विधानसभाओं के तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें तमाम बीजेपी के नेता लोगों से 1-to-1 संवाद करेंगे, बीजेपी की जो योजना है उनके बारे में लोगों को बताएंगे, साथ ही तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजना है उनको बताएंगे, साथ ही जो कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में है उसका किस तरह का कामकाज रहा, तमाम जो चीजें रही, जो चुनाव, जो बीजेपी भी अब चुनाव के मूड में आ चुकी है पूरी तरह से, बिल्कुल, यानी कि विष्णु हम कह सकते हैं कि जनता से परिवर्तन की अपील यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी करने जा रही है। इसके साथ साथ दर्शकों को मैं बता देते हैं कि 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये 75,000 किलोमीटर की रथ यात्रा होगी। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, देखिए आने वाला वक्त जो है विष्णु कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खास है, ये बीजेपी ने इन तमाम रथ यात्रा के जरिए बताया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के लिए बहुत खास है, चूंकि कांग्रेस की यात्रा भी यहां पर प्रवेश करने वाली है, तो यहां पर कांग्रेस जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, ठीक है, जगह जगह मीटिंग्स हो रही है, मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं। अब चूंकि बीजेपी की भी रथ यात्रा होगी, जन आक्रोश रैली होगी यहां पर, कांग्रेस की जो रथ यात्रा होगी, अब इन तमाम रैलियों में कितना क्लेश हो जाएगा ये बताइए, या कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी आगे, क्या माने हम विष्णु? देखिए कांग्रेस का जो रूट है वो अलग है, तय रूट से कांग्रेस की यात्रा राजस्थान में गुजरेगी। अब जो राहुल गांधी हैं वो भी राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जो राहुल गांधी लगातार जो यात्रा कर रहे हैं वो राजस्थान में आएंगे, लंबा समय राजस्थान में बिताएंगे, वो भी राजस्थान में रहेंगे। साथ ही अब बीजेपी की जो यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा, कहीं ना कहीं एक जवाब दिया जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस लगातार यात्रा निकाल रही है, एक भावना लोगों की कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, उसको कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर इसको कह सकते हैं कि बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उस तमाम यात्रा के को बताने के लिए कि बीजेपी भी लगातार अपने चुनावी मूड में है, उन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी अपने जो केंद्र की नीतियां है, केंद्र के जो रणनीतियों को लेकर जाएगी, तमाम नेता तो में शामिल होंगे। हाँ विष्णु, जो राजस्थान में बीजेपी का बिखराव है उसको भी तो एक मंच पे लाना होगा ना, जो बिखरी जो बीजेपी है यहाँ पर उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना उनको। देखिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा इसीलिए राजस्थान आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। कल आप जो परसों जो मीटिंग कांग्रेस की हुई, जब कृषि मंत्री गोपाल आए थे तो पायलट और गहलोत के हाथ खड़े करवाए थे, कुछ इसी तरह की तस्वीरें भी बीजेपी में देखने को मिल सकती है, जो नेताओं में टकराव की जो स्थिति है, गुटबाजी है, उसको कहीं ना कहीं अब जो पार्टी आलाकमान है बीजेपी का वो दूर करने की कोशिश करेगा। तमाम नेताओं को मैसेज दिया जाएगा कि अब चुनाव आने वाली है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ राजस्थान में चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, तभी जो भारत
भारत जोड़ो यात्रा के समय ही जो बीजेपी की जो जन आक्रोश रथ है वो रवाना हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों ने विगुल राजस्थान में बजा दिया है, क्योंकि आने वाले जो साल में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अब दोनों ही पार्टी किसी भी तरह से कम नहीं रहना चाहती है, कोई कमी चुनाव प्रचार में या जनता को अपने आप से जोड़ने के लिए कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तमाम राहुल गांधी यात्रा लेकर आ रहे हैं। इधर जेपी नड्डा हैं बीजेपी के, वो राष्ट्रीय कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो जुड़े और इस रथ यात्रा के जरिए तमाम जो सरकार की कमियां हैं वो लोगों के सामने लाई जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए बीजेपी कमर भी कस रही है। चलिए हम